He will never leave them or he will never forsake them. Oh, my dear one, Sadrak Meshach Abednego experienced God in their devotion. Oh, Parmeshwar ki Sadrak Meshach Abednego ki ye anubhav unka aradhana aur stuti mein hota hai. They will never doubt God's ability. Oh, Parmeshwar ki swabhav par kabhi bhi sandeh nahi kiya. My dear one, we in our devotion. अगर मेरे भी हो अगर हम और आप परमेश्वर के आराधना उपस्थिति में कहते हैं कैन एक्सपीरियंस एंड नो दैट गॉड इज एबल क्या हमें इस अनुभव हमें यह अनुभव है कि परमेश्वर हर एक चीज को कर सकता है व्हाई आई एम ट्रस्टवर्दी ही नेवर मेक एनी मिस्टेक इन अवर वो जिस पर हम भरोसा रखते हैं वो कोई भी गलती नहीं करता ही इज डिपेंडेबल वन वो निर्भर जिस पर हम निर्भर हो सकते हैं जिस पर हम अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं and he will make our life secure और तब हमारे जब हम अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपते हैं हमारा जीवन में उन्नति ही उन्नति होती रहती है our life anywhere at any time not at any failure in our life और तब हमारे जीवन में कोई भी गिरावट किसी भी हालात से हम नीचे की ओर नहीं जाते because our God is mighty one हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर who never make any mistake in our life और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी गलती नहीं करता my dear one when we depend on someone जब हम किसी के ऊपर भरोसे रखते हैं पास्टर टीचर वो सारा हमारे पास कौन हमारे शिक्षक फादर मदर सिस्टर हमारे माता हमारे पिता भाई और बहन मैं चीट यू और मैं लीव यू वो आपको धोखा दे सकते हैं आपको छोड़ सकते हैं हस्बैंड और वाइफ में थ्रो यू और लीव यू हो सकता है पति और पत्नी भी एक दूसरे को छोड़ बट ओनली वन पर्सन इन द वर्ल्ड पर केवल एक ही व्यक्ति संसार में है लीव यू ही नेवर फॉरसेक और व्यक्ति आपको कभी भी छोड़ नहीं सकता हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है therefore we can depend हम उस पर निर्भर हो सकते हैं we can build our life on him हम अपने जीवन को उसमें रख सकते हैं and know that our life safe and sure हमारा जीवन जब हम उसमें रखते हैं तो वो पक्का हो जाता है he is unchangeable that's why we can परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है my dear one god cannot make mistake पर हमारे मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता बिकॉज ही इज ओमनीशिएंट गॉड हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है ही नो एवरीथिंग फुली वो हर एक चीज को भली भांति जानता है माय डियर वन माय गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक मेरे प्रियो मेरे परमेश्वर हमारा परमेश्वर कोई गलती नहीं करता बिकॉज ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड और हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी पर सर्वत्र है एंड सी unfolding for every situation और वो हर एक चीज को अंत से शुरू से अंत तक जानने वाला है even as it happens और जो भी कुछ होता है God cannot make any mistake in our life और परमेश्वर भी अपने जीवन में अपने इस हाल में कोई भी God my God is omnipotent God क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक सर्वशक्तिमान पर नहीं है power to determine and accomplish वो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हर एक काम को जो एक्सैक्टली जैसा वो सोचता है उसी प्रकार से अपने काम को अंजाम देता है माय डियर वन माय गॉड इज नेवर चेंज मेरे प्रियो हमारे परमेश्वर कभी बदलता नहीं बिकॉज ही इज इमोवेबल गॉड हमारा परमेश्वर जो इस स्थिर रहने वाला परमेश्वर ही नेवर चेंज हिज प्लान एंड हिज पर्पस जो अपने अपने योजना से कभी नहीं बदलता He will with you. वो हमारे साथ है. He will never change you or he will never leave you in any situation. और किसी भी आप परिस्थिति में हो, किसी भी आप समय में भी हो, वो आपको नहीं छोड़ता. I would like to ask you to just stand on your feet. मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने पैरों में खड़े हो जाएं, स्थान में खड़े हो जाएं. My dear ones,
मेरे प्रियो, God is trustworthy God. हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं. And we can depend on fully. हम उस पर निर्भरित हो सकते हैं. And He will, His and we will can submit our life. हम उसे हम अपने जीवन को उसके ऊपर समर्पित कर सकते हैं. Into His plan and into God's hand. जब हम अपने जीवन को उसके हाथ में देते हैं, those struggling with outcomes, हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे, and have faith in their heart. अगर हम अपने जीवन में उस विश्वास को रखते हैं, God is giving them to retire. परमेश्वर एक बार फिर से आपको जीवन में फिर से देने के लिए, those who spend for the of God. जब हम परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को देखते हैं, it is right time to submit our life to God. ये समय है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें. God, He who never made any mistake, जो कि कभी भी कहीं भी कोई गलती नहीं करता, in anywhere, in any moment, किसी भी क्षण किसी भी समय में वे जो है गलती नहीं करता. Leave you. हो सकता है आपके पिता आपको छोड़ दे. Your personality is not good for anything. आपका जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा. You're thinking, I'm not good for study, I'm not good for, I mean, preaching, I'm not good for singing. हो सकता है इस सुबह में आप जो है इस बात से परेशान होंगे, मैं अच्छे से प्रचार नहीं कर सकता, मैं मेरे पढ़ाई अच्छी रीति से नहीं हो रही है. But my dear one, मेरे प्रियो, who we believe, जिस पर भरोसा रखते हैं, he can do everything. वो हर एक चीज को करने में सक्षम है. He do not make any mistake in our life. जो कभी कोई गलती नहीं करता. He never change any situation, any outcome come in our life. और वो कभी भी किसी भी काम को करने में वो हमेशा अग्रसर रहता है. Higher one, he is one who creates. मेरे प्रियो, वही एक ऐसा परमेश्वर जो हमें, वही परमेश्वर जो हमें सृजा है. He is one who is taking care of you last year. और वही परमेश्वर है जो हमें काफी सालों से देखते आया है. Just think about that. God never make any mistake in your life. क्या आज आप इस विचार को करें कि क्या परमेश्वर हमारे जीवन में गलती किया है? No, my dear one. It may take years to realize that. आप इस साल लगा सकते हैं इसको याद करने के लिए. God is not making a mistake in our life. आप इस बात को नहीं पाएंगे कि आप इस जीवन में परमेश्वर ने कुछ गलती की. But then we have that point. मैं उस अनुच्छेद में आना चाहता हूँ. Where we can praise God for His wonderful work. आज हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा दे उसके अनुभव को जो हमारे जीवन में किया है. Already to submit our life to God. क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे इस समय में? Oh,
we are so thankful to you. Thankful to you, Lord, for the word this morning, and we just commit our lives in your hands, and we pray, God, that we will be able to understand the fact that you never make mistakes, Lord Jesus. And Lord, we are your people, we are in your hands. And whatever comes to our life, Lord, you are aware of that situation, Lord. At times you teach us through the situation. So we pray, God, that you will bless us as soul and use him mightily in the days to come. In Jesus' name. Amen. God, please be seated. I was reminded that convention, I was thinking maybe I'm sitting in the Mstakes convention. Thank you, Jom, for sharing God's word with us. And it's very, very appropriate and well prepared and very well presented. And also to Hush, with Hush. Yeah, we are very translated very well. We are very happy when we see our dear ones doing so well. And we see the future and we understand that God is certainly going to use you. May God bless you all. The leader, thank you for leading. God bless you. And the message also, and everything was finished in 28 minutes, so which was very good transition. And God bless you. Have a good time. Enjoy.